तो यार दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर और कल है 9 अक्टूबर, यानी दोस्तों कल है कुमार पूर्णिमा। तो दोस्तों कल मिलते हैं। उसके अगले दिन। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर की सुबह और दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज है कुमार पूर्णिमा। और यार दोस्तों अभी मैं नजर डालते हैं मुशु पे। तो दोस्तों ये रहे हमारे मुशु जी, जो कि दोस्तों अभी अभी नहा के बादाम खा के बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको पूरी चीजें बताता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू आर न्यू। तो यार दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठा ही था कि मुझे याद आया कि मैंने तो आपको इस त्यौहार के बारे में कुछ बताया नहीं है। वैसे दोस्तों उम्मीद आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको ये त्यौहार के बारे में बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये बेसिकली एक फेस्टिवल होता है जो कि उस साइड मतलब बंगाल उड़ीसा उस साइड ज्यादातर मनाया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है मेरे को दोस्तों ज्यादा तो नहीं पता, पर दोस्तों इतना पता है कि ये काफी धूमधाम से फेस्टिवल बनता है। और दोस्तों मैं आपको मेन चीज बता दूं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं मतलब और जानना चाहते हैं तो ये मतलब पूरी मतलब इसकी पूरी स्टोरी है, माइथोलॉजी है, वो दोस्तों अभी मैं आपको नहीं बता सकता, मेरे को अच्छे से नहीं मालूम। पर दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोज़ है जिससे आप दोस्तों ये जान सकते हैं। और दोस्तों अगर हो सके तो मैं दोस्तों कोशिश करूँगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँ। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देने को बोला था, लेकिन दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे पाया था। जो मून होता है उसको दोस्तों देखकर भी मनाया जाता है। और दोस्तों कुछ ऐसे मतलब मिठाइयाँ होती है जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब है ना काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हैं, यानी करते हैं और ये भगवान जी को पूजा करते हैं। तो ये मैंने दोस्तों इसके बारे में पूरा का पूरा दोस्तों डिटेलिंग बोला था, लेकिन दोस्तों अभी दोस्तों मैं आपको वो बोल नहीं सकता क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना बता दूँ, अगर आपको चेक इन करना है तो दोस्तों आप यूट्यूब में चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों नानी वही बोलिए जो कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं दोस्तों आप देख सकते हो कितनी कैसे सजी हुई है अभी एकदम एकदम अच्छे से, और आज इनकी पूजा होगी। दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ, दोस्तों आप देख सकते हो हमारा अमरूद का पेड़ है। अभी दोस्तों सीजन आ रहे हैं तो धीरे धीरे अभी कच्चे हैं, अभी पकेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलो दोस्तों, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते आपको दोस्तों मैं आपको बोल दूँ, आपको पता ही होगा 500 सब्सक्राइबर्स के कितने ज़्यादा करीब है। दोस्तों प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए, और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ आप लाइक भी करके जाइए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसको हमने इसके घर के ऊपर कपड़ा डाल दिया, क्योंकि दोस्तों है ना अभी आप दोस्तों मौसम देख सकते हो इतनी खराब है 2 दिनों से इसका, और दोस्तों है ना इसको इसलिए ठंड भी लगती है, इसीलिए दोस्तों नहाने के बाद खाना पीना खिलाने के बाद इसे सुलाना भी चाहिए। नहाए तो इसको ठंड ना लग जाए इसीलिए अभी सो रहा है, खा के इसकी आप दोस्तों शक्ल देख सकते हो। मम्मी की चाय भी इसे पीना है, मतलब ये मतलब तो आईना दोस्तों अभी भी इसके पास रहेगा, मतलब 24 घंटे आईने के पास। दोस्तों मशरू का दोस्तों आप देख सकते हो, इसमें दोस्तों काजू के दोस्तों काजू बादाम के छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़ा सा भिगो दिया है, क्योंकि दोस्तों अभी ये वही खा रहा है अभी तो तभी खिलाता हूँ इसे। ले भाई ले, क्या कर रहा है तू भाई, कैमरे में हाय बोल दे एक बार। ये मैं सोच रहा हूँ दोस्तों अंदर डाला हुआ है अभी, तो सुबह से खेल रहा था बाहर, अभी अभी अंदर डाला है, सो नहीं रहा, सो जा ले, खा तो ले कम से कम, ले नहीं खाना चल मत खा, कोई बात नहीं दोस्तों थोड़ी देर बाद खाएगा, अभी सो जा। नानी चाय पी रही है। फिर दोस्तों नानी ने बोला कि आप सब्सक्राइब करिए लाइक करिए। दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ किस तरीके से नानी ने बोलने की कोशिश, लाइक कर। दोस्तों नानी ने ही बोल दिया, फिर उसके बाद दोस्तों मुझे भी वीडियो एडिटिंग करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।